नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि के पांचवें दिन माता के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता का है। हम आज माता स्कंद माता की कथा का वीडियो आपके लिए लाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज आपको देवी के सारे स्वरूपों की कथा, उनके पूजा की नियम और विधि, उनके स्वरूपों को प्रसन्न करने का मंत्र और भी बहुत सी जानकारी देंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय माता दी लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, जिससे हम समय समय पर आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें। नवरात्रि का पांचवा दिन माता स्कंद माता। माँ स्कंद माता देवी दुर्गा का पांचवा स्वरूप है। देवी स्कंद माता कुमार स्कंद या कार्तिकेय की माता है। भगवान कार्तिकेय युद्ध के देवता हैं, जो भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र हैं और उन्हें देवताओं ने राक्षसों के खिलाफ युद्ध में अपने सेनापति के रूप में चुना था। भक्तगण नवरात्रि की पांचवी या दुर्गा पूजा की पंचमी को माता स्कंद माता के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। जब सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तारकासुर की पीड़ा से थक गए तो कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के अत्याचार को नष्ट कर दिया। भगवान कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी पार्वती को स्कंद माता नाम से महिमामंडित किया जाता है। देवी स्कंद माता धैर्य की सच्ची देवी हैं, जिन्हें चार भुजाओं वाली, छह मुख वाले शिशु कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लिए हुए दर्शाया गया है। स्कंद माता के दाएं और बाएं दोनों ऊपरी हाथों में कमल के फूल हैं। चूंकि वह ध्यान की स्थिति में कमल पर बैठती हैं, इसलिए उन्हें पद्मासना देवी के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। देवी स्कंद माता की कथा। स्कंद माता का अर्थ भगवान कार्तिकेय की माता है, जिन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है। एक बार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव हर चीज से अलग हैं, तपस्या करते हैं और वो कभी शादी नहीं करेंगे। तारकासुर ने चालाकी की और भगवान शिव के पुत्र से मृत्यु मांगी। भगवान ब्रह्मा को भविष्य का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने तारकासुर को मनचाहा वरदान दे दिया। इसके बाद राक्षस तारकासुर ने यह मान लिया कि वह अमर है। उसने ब्रह्मांड को नष्ट करना शुरू कर दिया। सभी देवता मदद मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि देवी सती का अवतार पार्वती राजा हिमालय की बेटी हैं और उनका विवाह भगवान शिव से होना तय है। तब भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ और भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। राक्षसों से लड़ने के लिए उनके महान कौशल और ताकत को देखते हुए भगवान ब्रह्मा ने भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति नियुक्त किया। तब भगवान कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध किया। तभी से माँ पार्वती को स्कंद माता के नाम से महिमामंडित किया गया। स्कंद माता की प्रतिमा। कमल पर विराजमान गोरे रंग की माँ स्कंद माता अपने बेटे शिशु स्कंद या कार्तिकेय को अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं जांघ पर स्नेहपूर्वक बिठाती हैं। उनके अन्य दो हाथों में कमल हैं और चौथे में अभय मुद्रा है। इस रूप में देवी माँ के पास कोई हथियार नहीं है। उनकी तीन चमकदार आंखें उनके सभी बच्चों के लिए मातृ प्रेम को दर्शाती हैं। चूंकि वह ध्यान करते समय कमल के फूल पर बैठती है, इसलिए उनका नाम पद्मासनी है। उनके गोरे रंग के कारण उनको शुभ्रा नाम से भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता अपने बच्चों की तरह अपने भक्तों की अत्यधिक रक्षा करती हैं और उसी तरह उनके आंतरिक और बाहरी राक्षसों को मारने के लिए शेर पर सवार होती हैं। उन्होंने तारकासुर का वध करने के लिए कुमार कार्तिकेय को शक्ति प्रदान की। वह नवदुर्गा का अत्यंत कल्याणकारी रूप है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से स्वचालित रूप से शक्तिशाली और सदैव प्रसन्न रहने वाले भगवान स्कंद की पूजा करने का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वह इस रूप में उनकी गोद में बैठे हैं। ग्रह प्रभाव। बुध ग्रह को देवी स्कंद माता द्वारा शासित माना जाता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपार प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद मिलता है।
इनकी पूजा से बुध ग्रह के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में यह माना जाता है कि एक अच्छा स्वस्थ गुणी प्यारा बच्चा हमारे पूर्व पुण्य का परिणाम होता है। इस प्रकार देवी स्कंद माता वह है जो हमें एक गुणी और स्वस्थ बच्चे के रूप में हमारे पूर्व पुण्य का परिणाम देती हैं, हमारी इच्छाओं को पैदा करती हैं और प्रकट करती हैं, जीवन में आनंद खुशी और हल्कापन देती हैं। चक्र प्रभाव। माँ स्कंद माता विशुद्धि चक्र की देवी हैं, जिसे कंठ चक्र के नाम से भी जाना जाता है। विशुद्धि का अर्थ है शुद्ध करना। जब तक मनुष्य सभी अहंकार और अज्ञान से शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक साधक के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। सरल शब्दों में, जब तक कोई व्यक्ति अपने बारे में सभी अहंकार आधारित मान्यताओं और भ्रामक विचारों से खुद को शुद्ध नहीं कर लेता, तब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात अपनी तीसरी आँख को नहीं देख सकता। विशुद्धि चक्र इसलिए अवरुद्ध हो जाता है क्योंकि हम जिन झूठों भ्रमों भ्रांतियों और भ्रांतियों में जीते रहते हैं, उन्हें ही अपनी वास्तविकता बनाते रहते हैं, जो वास्तव में सत्य है ही नहीं। जब भी हम ऐसे व्यक्ति होने का दिखावा करते हैं जो हम नहीं हैं, तो हम अपने विशुद्धि चक्र को अवरुद्ध करते हैं। जब भी हम अपना सच नहीं बोलते, जब भी हम अपनी जरूरतों डर और इच्छाओं के बारे में खुद से झूठ बोलते हैं, तो हम इस चक्र को अवरुद्ध करते हैं। जब मनुष्य अपने प्रति पूरी तरह से सच्चा होता है, तभी वो दुनिया के प्रति सच्चा हो सकता है। जब हम अज्ञानता भय अपराध बोध शर्म लाचारी क्रोध आक्रामकता ईर्ष्या घृणा घमंड तुलना प्रतिस्पर्धा विश्वासघात नाराजगी और ऐसी कई अन्य भावनाओं और दृष्टिकोणों से अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं, तभी हम विशुद्धि चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करके ऊपर अजना चक्र की ओर जा सकते हैं। पूजा विधि। माँ की उपासना से परम शांति और सुख का अनुभव होता है। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ की पूजा के समय पीले रंग के वस्त्र धारण करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित करें। माँ स्कंदमाता का अधिक से अधिक ध्यान करें और आरती अवश्य करें। मंत्र ओम ह्री सह स्कंदमात्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके माँ स्कंदमाता के रूप में देवी का आह्वान करें। आह्वान के बाद सिंहासंदता नित्यं पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। दुर्गा यज्ञ या नवरात्रि पूजा के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा का विशेष महत्व है। वह सच्ची पवित्रता की देवी हैं और माता का भव्य स्वरूप भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। स्कंदमाता का आह्वान करके कोई भी अपनी आत्मा और मन को शांत कर सकता है और यह उन्हें जीवन के स्वर्गीय सत्य का एहसास कराएगा। वे अपने दुखों को पीछे छोड़ देते हैं और जीवन में महान और दिव्य संतुष्टि प्राप्त करते हैं। लोगों का मानना है कि दुर्गा पूजा के इस दिन उपासक विशुद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं। स्कंदमाता महायज्ञ के आयोजन से बाहरी दुनिया की अशुद्धियां और तनाव दूर होते हैं। स्कंदमाता पूजा के लाभ। यह आकर्षण शक्ति को बढ़ाता है। यह दूसरों की सोच को बदलने और उन्हें अनुकूल बनाने में मदद करता है। यह आपके प्रेमी को आपकी ओर दृढ़ता से आकर्षित करता है। आशीर्वाद के रूप में शारीरिक सुंदरता संतान और जीवन साथी प्रदान करता है। आपके रिश्ते को परिपक्व और मजबूत बनाता है। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सारतत्व को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आप और किस विषय पे जानकारी पाना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और इस जानकारी को और लोगों के साथ साझा करें।